धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध कोयले का कारोबार तस्करी जारी है। अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी कर रहे हैं। झरिया थाना क्षेत्र विक्ट्री कोलवरी के समीप शनिवार देर रात अवैध कोयला कारोबारियों को अपराधी ने गोली मार दी। अवैध कोयला कारोबार में गोली मारी गई थी। बुधन मंडल की रविवार को दुर्गापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजन व समर्थक धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर जाम कर आगजनी कर दिए। सड़क में बवाल हंगामा किया, घंटों बवाल काटा और कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दिया। वहीं गुस्साए लोगों ने राह चलते राहगीरों के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की, जिसमें एक दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझाने में जुटी रही। इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। धनसार थाना चौक पर टायर जलाकर गुस्साए लोग घंटों तक हंगामा करते रहे और पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन समय पर उचित कार्रवाई नहीं की, जिससे ऐसे अपराधियों के हौसले और बढ़ रहे हैं। पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास में लगी है, लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हत्या मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हंगामा करने वाले लोग कर रहे हैं। वहीं दूर दराज से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बवाल को देखते हुए पुलिस झरिया मार्ग से आने जाने वाले वाहनों को दूसरे रास्ते से भेजने का काम कर रही है। टेम्पू वाला उतार दिया है, अब बोलता है वहाँ पर गोली चल गया, पत्थर चल रहा है, उधर जाने नहीं दे रहा है। पुलिस रोका था, पुलिस तो रोक दिया जी, जाने नहीं दे रहा है। क्या बोला? बोलता वहाँ पत्थर चल रहा है, झरिया आ तो नहीं, धर्मांत से दुकान से दीदी आना जाना होता। हाँ, परेशानी में फंस गया, परेशानी में फंसे क्या कर रहे। देखे कि उधर से भीड़ आ रही है हजारों की संख्या में, तो हम लोग देखे कि हमारा अपना संपत्ति को बचाना है, इसलिए हमने रोका, लेकिन वो लोग माना नहीं, तो दो गाड़ी को हम लोग मार दिया, शोरूम का नुकसान। आपके साथ मारपीट भी किया? नहीं, एक डंडा लग गया हमको, सुरक्षा में जो है सो एक डंडा लग गया। आप लोग यहाँ पर गार्ड है क्या? हाँ हाँ।